start today's session with more questions on ray optics. If you remember, हम लोगों ने प्रिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे लास्ट सेशन में. तो मूविंग अहेड विथ मोर क्वेश्चन ऑन प्रिज्म, एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 60 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.4. 1.414 is root 2, ये पता होना चाहिए. Then what will be the angle of incidence so that the ray should pass symmetrically through prism? अब ray should pass symmetrically through prism का मतलब समझ लो पहले. I hope you know, you already know what is symmetric passing. तो जिनको नहीं पता है उनके लिए what is symmetric passing? Symmetric passing का मतलब ये होता है that refracted ray, अगर आपको याद होगा, if you remember, refracted ray parallel to base, ये कब होता है? Angle of minimum deviation. तो incident ray parallel to, incident ray is going from rare to denser, it bends towards normal, here it bends away from normal. और अगर आपको याद होगा, यहाँ पे आप normal draw करते हो, अगर आपको याद होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है. तो ये बेस BC को ये रिफ्रैक्टेड रे जब पैरेलल होता है, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पासिंग. सो सिमेट्रिक पासिंग, ओके. रे शुड पास सिमेट्रिकली, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ऐसा बोला है आपको. आपको क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपको आय पूछा है. क्या क्या दिया है आपको? एंगल ऑफ प्रिज्म ए 60 दिया है, और आपको दिया है म्यू 1.414, एंड आई विल राइट दिस एज रूट 2. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफकोर्स आपको पता है एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सो एट डी इक्वल टू डेल्टा एम, बिकॉज सिमेट्रिक पासिंग का मतलब ये होता है. सो सिमेट्रिक पासिंग ऑफ द रे इज डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, और आपको पता है यहाँ पे आई इज ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, राइट. आपको आई फाइंड करना है. प्रॉब्लम ये है कि डू यू नो व्हाट इज डेल्टा एम? नाउ ए पता है, यस. तो हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा एम? ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 180. कैसे सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, कैसे कर सकते हो, विच फॉर्मूलाज डू यू रिमेम्बर, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? यस, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? इजी है, दिस इज इजी. Okay, now let us learn how to remember formulas. Write down all the formulas that you remember for minimum deviation. Minimum deviation ka kya tha? I equal to A plus delta M by 2. R1 equal to R2 equal to A by 2. Very good. R1 equal to R2 equal to A by 2. But A pata hai? Yes. Good. अब इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी, स्नेल्स लॉ, तो आपको पता है म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1, करेक्ट, राइट. अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा करना, ऐसा लिखना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विच इज एयर, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विच इज ग्लास, साइन ऑफ R1. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू 1 इज 1, राइट. तो यू हैव साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1. देयरफोर साइन I इक्वल टू म्यू, व्हाट इज म्यू? रूट 2. रूट 2 है क्या म्यू? Yes, sine R1, but R1 is A by 2, but A is 60. 60 by 2 is 30. मतलब sine
30. What is sine 30? 1 by 2. 1 by 2. Root 2 by 2 is 1 by root 2. So sine ki value 1 by root 2 ka hoti hai? 45. So I equal to 45 degrees. Option number C. तो पहले तो पता होना चाहिए सिमेट्रिक पासिंग क्या होता है, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ओके, मतलब पी क्यू रे इज पैरेलल टू द बेस. उस पर क्या होता है, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू, मतलब आर वन इज 30. फिर आपने क्या किया, सिर्फ ए बी सर्फेस पे स्नैप लगाया. म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर वन, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर वन. ओके, म्यू पता है रूट टू है, साइन ऑफ आर वन इज 30, तो साइन 30 इज हाफ, रूट टू बाई टू इज 1 बाई रूट टू, और रूट टू 1 बाई रूट टू वैल्यू 45 डिग्री पे आएगी, तो I is equal to 45 degrees. This is how you are supposed to solve this question. Next question. A ray of light is incident on a face of equilateral triangular prism. तो पता होना चाहिए equilateral triangular prism मतलब A is again 60. तो equilateral triangular prism मतलब A is again 60. तो A की value आपको मिलेगी 60. 60 degrees. Okay. So A is 60. आगे बोला है a ray of light is incident at an angle of incidence 40. So I is equal to 40 degree दिया है. Okay. At this angle minimum deviation occurs. मतलब again delta equal to delta m है. The value of this deviation is. दो तरीके हैं सॉल्व करने के, यू नो बोथ ऑफ दिस. मैंने अभी बताया था आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू. आपको क्या पूछा है, डेल्टा एम, राइट? तो डेल्टा एम क्या आएगा यहां से, आई मीन ऑफ कोर्स टू आई माइनस ए, टू आई माइनस ए. आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन अर्लियर. एनीवेज, किया भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 इंटू 40 माइनस ए इज 60, तो 80 माइनस 60 इज 20. तो क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए I is A plus delta M by 2 at minimum deviation, तो delta M is 2I minus A. Next question. A prism of refractive index mu and angle A is placed in minimum deviation position. If the angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu is. मैंने कल ये क्वेश्चन आपको करके दिया था, मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर. अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आई विल टेक यू बैक इन टाइम एंड आई विल शो यू कि कब हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था. सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई टोल्ड यू कि आगे हमको लगने वाला है नॉट हियर नॉट हियर नॉट हियर नॉट हियर एज वेल. यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस इज 1.5. आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा था, तो आपने क्या किया था, प्रिज्म फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, देन ए इक्वल टू डेल्टा एम क्योंकि बोला है, राइट? सॉल्व करते गए करते गए, मैंने बताया था कि ये इक्वेशन आपको बाद में लगेगा, राइट? तो इस पर्टिकुलर 34 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज थी, कॉस 41 था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो हमने सॉल्व करके ए एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड किया है, एक वैल्यू फाइंड की, कितना आया था 82 डिग्रीज. अब जो आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू लिखनी है, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड अ वैल्यू. तो वही सेम क्वेश्चन है, प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, वहां पे म्यू की वैल्यू 1.5 थी एंड एंगल ए इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजिशन. इफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए, मतलब डेल्टा एम इज ए, ऐसा बोला है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ म्यू. सेम टू सेम क्वेश्चन, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू. फिर आप बोलोगे म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस ए बाय टू, क्योंकि डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू, अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू.
then you will say mu is equal to sine of a plus a is 2a, 2a by 2, 2a by 2 upon sine of a by 2. ये और ये कैंसिल आउट. देयरफॉर mu इज इक्वल टू sin a अपॉन sin ऑफ a by 2. फिर आपको याद होगा तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया था. sin ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा. तो sin ऑफ a इज 2 sin a by 2 cos a by 2. तो ये आपका आएगा 2 sin a by 2 cos a by 2 अपॉन साइन ए बाय टू. कैंसल और ये कैंसल. तो यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए बाय टू. मतलब म्यू बाय टू इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय टू. मतलब कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय टू इक्वल टू ए बाय टू. इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2. ओके करेक्ट राइट. तो 2 cos इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2, 2 cos इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2. कल का क्वेश्चन कंपेयर करो. म्यू की वैल्यू कितनी थी? 1.5. मतलब कितना? 3 बाय 2. 3 बाय 2 बाय 2 3 बाय 4 0.75. cos इनवर्स 0.75 41 डिग्री दिया था. 41 into 2 82. तो वही क्वेश्चन है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर आर. तो आपको वॉयलेट कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.54 और रेड कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.52 रिस्पेक्टिवली. इफ द प्रिज्म एंगल इज 10 डिग्रीज द एंगुलर डिस्पर्शन इज. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि 10 डिग्री एंगल मतलब थिन प्रिज्म, और थिन प्रिज्म मतलब डेल्टा इक्वल टू ए इनटू म्यू माइनस 1. तो फॉर्मूला याद कैसे करते हो? पहले अगर आपको पता है ए 10 डिग्री है, 10 डिग्री मतलब थिन प्रिज्म था तो ये फॉर्मूला यूज होता है. और ये कहां से आता है बता देता हूं मैं आपको. इफ यू रिमेंबर ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज आल्सो ओके. तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a by 2. अगर प्रिज्म थिन है, प्रिज्म थिन है तो एंगल स्मॉल है, और अगर एंगल स्मॉल है तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू एंगल इटसेल्फ. तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा ऐसा होता है स्मॉल एंगल्स के लिए. इसका मतलब साइन ऑफ a by 2 a plus delta m by 2 साइन ऑफ a plus delta m by 2 is equal to a plus delta m by 2 and साइन ऑफ a by 2 is just a by 2. और ये कैंसिल. ये यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम. तो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए. मतलब दिस इज म्यू माइनस 1 इनटू ए. बट डेल्टा एम ये एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू है. मतलब एंगल ऑफ डेविएशन के बहुत सारे वैल्यूज में से एक वैल्यू है राइट. तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे एम लिखू या नहीं लिखू. तो डेल्टा इज म्यू माइनस 1 इंटू ए. कौन से प्रिज्म के लिए? थिन प्रिज्म के लिए. वेरी गुड. आपको पूछा है एंगुलर डिस्पर्शन. फिर आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो आपके पास एक थिन प्रिज्म है, मान लेना अभी प्रिज्म है, आई एम नॉट ड्राइंग टू द स्केल, मान लेना. देन यू हैव व्हाइट लाइट एंटरिंग. ओके अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट जाता स्ट्रेट. बट प्रिज्म है, प्रिज्म है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिफ्रैक्शन भी होगा और डिस्पर्शन भी होगा. तो एज सून एज व्हाइट लाइट गोज इनसाइड इट स्प्लिट्स अप इनटू कंपोनेंट कलर्स, 7 कलर्स, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सबसे कम डेविएशन होता है रेड का, सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट का. तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट का. ये जो एंगल है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट, और रेड के लिए दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड. द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन. मतलब ये एंगल पूछे हैं, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन. तो ये पता होना चाहिए थियरी. वंस यू नो दिस मच ऑफ थियरी,
दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग जेई नीट के क्लासेस बिना थ्योरी क्लासेस के अटेंड किए करने नहीं होते हैं. एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, बट डेल्टा वी एज यू नो, देयरफॉर यू विल हैव एंगुलर डिस्पर्शन, बट डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, ए म्यू माइनस वन. अभी प्रिज्म बना लिया तो बना लिया, प्रिज्म के कलर के साथ चेंज होगा नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म डजंट चेंज. व्हाट चेंजेस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो ये आता है म्यू वी माइनस वन माइनस, दिस इज ए म्यू आर माइनस वन. मैंने सिर्फ डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यूज वहां पर सब्स्टिट्यूट किए. ए म्यू वी माइनस वन, ए कॉमन निकाला है, ए कॉमन निकाला याद रखना, माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस वन, ये हो गया कैंसल. अगर आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला बनाया था एंगुलर डिस्पर्शन के लिए, स्ट्रेट अवे वॉज दिस ए टाइम्स ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर. ये हमने थ्योरी क्लासेस में फॉर्मूला डिराइव किया था, देन इन रिविजन ऑफ थ्योरी ड्यूरिंग नीट जेई क्लासेस वापस से हमने एक बार रिपीट किया था ये, तो ये पता होना चाहिए. इफ यू नो दिस क्वेश्चन इज ओरली, इट कैन बी डन ओरली. ए की वैल्यू 10, दिस इज 1.54 माइनस 1.52, व्हाट इज 1.54 माइनस 0.02, नॉट 0.2, 0.02, व्हाट इज 0.02 इनटू 10, 0.2, 0.2, यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन प्रिज्म P1 विथ एंगल 6 degrees and made from a glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. Okay, the angle of prism P2 will be, so this is some new concept for you. Aisa hai, aapko pata hai, ye ek prism hai, let us say you have this as one prism, and obviously you know कि जब भी white light whenever it enters prism, it gets dispersed, dispersion होगा. अब by the way ये याद रखना, original direction of light, this is original direction of light, but after entering prism it gets dispersed into 7 different colors. Clear? Now, what if I place one more prism? मैं अगर और एक prism रख देता हूं यहां पे, इसका prism angle it is P1, इसका prism angle is P2, okay? क्या बोला है आपको, ये जो पहला प्रिज्म है इसका एंगल है 6 degrees, दूसरा जो प्रिज्म है इसका एंगल पूछा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन इज 1.54 और इसका म्यू टू इज 1.72. आपको बोला है कि ये कॉम्बिनेशन शुड प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब जब फाइनली लाइट बाहर निकलेगा इट शुड बी अ डिस्पर्स्ड बी, मतलब 7 कलर्स डिस्पर्शन होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए, राइट? डेविएशन नहीं होना चाहिए. नाउ इमेजिन, व्हाट डू यू मीन बाई डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब एमर्जेंट रे शुड बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे, वेरी गुड. बट इमेजिन जब ये लाइट यहां से बाहर निकलेगा, अरे ये तो पैरेलल नहीं है, और ये भी लाइट जो है हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मे बी इट इज ऑल्सो नॉट पैरेलल. आई एम नॉट ड्रॉइंग अप टू द स्केल, मैं एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू, राइट? और वैसे भी 7 कलर है, कितने कलर है, 7, तो किसका डेविएशन नहीं होना चाहिए, हाउ डू यू डिसाइड, मीन कलर. सो जब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन बोलते हैं तो दे आर टेलिंग यू कि यू शुड हैव 7 कलर्स इन द फाइनल एमर्जेंट रे, 7 कलर, रेड रेड भी होगा उसमें,
ग्रीन भी होगा, वॉयलेट भी होगा, येलो भी होगा, सो डिस्पर्शन होना चाहिए, लेकिन डेविएशन नहीं। तो किसका डेविएशन नहीं? येलो का। तो ऑलवेज रिमेम्बर, येलो कलर शुड बी अंडरगोइंग नो डेविएशन, मतलब येलो कलर का बीम ऐसा जाएगा, फिर यहां से ऐसा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेडर टू डेंसर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड फाइनली, सो इट विल डिपेंड कि कौन सी मिनट में कहां जा रहा है, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड फाइनली एमरजेंट इट विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट डायरेक्शन। तो नंबर वन डिस्पर्शन, मतलब आउटगोइंग सात कलर विदाउट डेविएशन, लेकिन सात कलर किसका डेविएशन नहीं हो रहा है? येलो कलर का, मीन कलर का, राइट? यहां तक क्लियर है? तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने प्रिज्म यूज किए? दो। इसका उल्टा भी होता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन भी होता है, हम बाद में देखेंगे, राइट? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन भी होता है, विल सी दैट लेटर। ओके, चलो एनीवेज अभी बता देता हूं, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सी मैं आइडिया बता देता हूं। सी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हमने देखा, अब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो ये जो रेड कलर पहले प्रिज्म में लाइट डिस्पर्स हुआ, दूसरे प्रिज्म में जाने के बाद ये सारे के सारे कलर वापस कंबाइन हो जाते हैं एंड द आउटगोइंग रे इज अगेन अ वाइट लाइट बट एमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं डेविएशन, क्योंकि देखो एंगल डायरेक्शन इज डिफरेंट, एमर्जेंट डायरेक्शन इज डिफरेंट देन इंसिडेंट, उसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट, क्योंकि साथ के साथ कलर वापस से कंबाइन हो गए, करेक्ट? इज दिस क्लियर? पक्का? तो वो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हमें डिस्कस करना है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है विच वी विल नॉट डिराइव, आपको सिर्फ याद होना चाहिए फॉर्मूला, दैट्स इट। सो एंगल ऑफ प्रिज्म 2 अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म 1, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 2 अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म 1, A2 बाय A1, ओके, जस्ट अ मिनट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला है एंगल ऑफ प्रिज्म 2 अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म 1 इज इक्वल टू माइनस साइन, याद रखना, नीचे क्या है प्रिज्म 1, यहां पे ऊपर आएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर ऑफ प्रिज्म 1 अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर ऑफ प्रिज्म 2 माइनस 1। तो एक काम करेंगे, इसको मैं बेटर सेकेंड प्रिज्म को मैं डिनोट करता हूं डैश से, इंस्टेड ऑफ राइटिंग P1 एंड P2 आई विल राइट डाउन A डैश बाय A, ओके, गुड। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन इन अ वाइल। सी दिस क्वेश्चन, द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ फ्लिंट एंड क्राउन ग्लास, वो जो प्रिज्म 1 था उसको बोलते हैं फ्लिंट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना 1.54, दूसरा जो प्रिज्म था इसको बोलते हैं क्राउन, ये क्राउन ग्लास का बना होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना था 1.72, ओके, आर ए डैश एंड ए, डू यू रिमेंबर ए डैश एंड ए? यस, ओके, दे आर टू बी यूज्ड फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डू यू रिमेंबर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन? यस, देन द रेशियो ऑफ देयर एंगल्स विल बी, मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिख के दिया, कौन सा लिखा, माइनस न्यू वाई माइनस वन अपॉन न्यू वाई डैश माइनस वन, मतलब ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, गुड, राइट? किसका फॉर्मूला है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ओके। सो नाउ ए डैश बाय ए, ए कितना बताया था आपको 6, माइनस न्यू वाई बोला है क्या, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.54, अभी येलो का ऐसा नहीं बोला लेकिन अज्यूम करना पड़ेगा इट इज फॉर येलो, तो 1.54 माइनस 1 अपॉन इसका कितना था सेकंड का 1.72 माइनस 1, तो ए डैश बाय 6
is equal to, this is 0.54 upon 0.72, which is 54/72. 9 ka factor hai, 9 8 za 9 6 za, that is 3/4, correct? 3/4 pakka? Yes. So what we have is, therefore a dash will be equal to 3/4 into 6, 2 za 3 za, 9/2 is 4.5 मतलब 4 degrees and 30 minutes, option number B. Good. So will you remember this formula? A dash, second prism ka angle A, first prism ka angle equal to minus first prism ka refractive index minus 1 upon second prism ka refractive index minus 1. That's it. Next question. A thin prism matlab delta equal to, wait a minute, thin prism matlab delta equal to, thin prism ka formula matlab delta equal to a into mu minus 1. So delta equal to a into mu minus 1 is dipped in water. Ek thin prism hai, usko apne water mein rakha. Then minimum deviation with respect to air by it will be. Pehle air mein tha. So jab air mein tha, so angle of deviation in air will be a times of refractive index of glass with respect to air minus 1. Jab water mein rakha, so angle of deviation in water of that prism is a into refractive index of glass with respect to water minus 1, right? Aapko pucha hai, what is minimum deviation with respect to air? Matlab aapko pucha hai, what is delta water with respect to air? Aapko yaad hoga, this is nothing but, if you remember, this is nothing but delta water by delta air. Okay, so jab aap divide karoge, a cancel, so this will be refractive index of glass with respect to water minus 1 upon refractive index of glass with respect to air minus 1. Yahan tak clear? Iska matlab refractive index in water with respect to air is equal to ye term, agar aapko yaad hoga, to this is refractive index of glass upon refractive index of water minus 1 upon refractive index of glass with respect to air, but with respect to air, air ka refractive index 1. Very good. Good. So here it is just like this. What is mu glass? 3/2. What is mu water? 4/3. 3/2 minus 1. This is 3 into 3, 9. By 2 into 4, 8. Minus 1. This is 1.5. Minus 1 is 0.5. Matlab niche half. So yeh aayega aapka 9/8 minus 1 is 1/8. 1/8 upon 1/2, matlab 2/8, matlab 1/4, matlab option number B. Main question wapis repeat kar raha hoon. Aapke paas ek thin prism tha jo pehle air mein tha, to uska angle of deviation hoga delta air a refractive index of glass with respect to air minus 1. Jab isi prism ko apne water mein rakh diya, to angle of deviation in water will be a refractive index of glass with respect to water minus 1. Aapko pucha hai, what is angle of deviation with respect to air when the prism is kept in water. So matlab delta W A pucha hai, that is delta W by delta A. So delta W is mu G with respect to W minus 1 upon mu G with respect to air minus 1. But refractive index of glass with respect to water is refractive index of glass upon refractive index of water with respect to air and air minus 1, matlab absolute and absolute refractive index upon mu g minus 1, put values and simplify 1/4. Next question. Ye to humne kar liya. Next question. For a glass prism, refractive index root 3, matlab 1.732, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism. Wapis se wahi. Okay, the angle of prism is, ab main wo derive nahi karunga,
अब हम सीधा जाएंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे अगर a इक्वल टू डेल्टा m हुआ तो a is 2 cos inverse of mu by 2, so it is directly a क्या था, a was equal to what, cos inverse of mu by 2, so it was 2 cos inverse of mu by 2. So of course आपने मुझे बताया a is equal to 2 cos inverse of mu by 2. You see, now this is 2 cos inverse of mu. Now I want you to know such things. This is, do you know what is sine of 60? Root 3 by 2. Do you know it is 0.8606? 1 by root 2 is 0.707. Root 3 by 2 is 0.8606. ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बहुत बार आया है तो ये पता होना चाहिए. दिस इज 2 cos इनवर्स ऑफ, वैसे जरूरत नहीं है करने की बट आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस, कब होता है, 30 पे होता है पक्का, तो दिस इज 60. क्वेश्चन खत्म. देखो अगर आपको पता होता, इफ a इज इक्वल टू डेल्टा m, ये फॉर्मूला पता होता, इफ a इक्वल टू डेल्टा m देन a is 2 cos inverse of mu by 2, so then it was 4n, root 3 by 2, achha, ye 30 into 2, 60, okay. Next question, last question for today, a ray of light passes through an equilateral prism, equilateral matlab a is equal to 60 degrees, so a is equal to 60 degrees, you need to know this, so a is 60, then refractive index diya aapko 1.5, such that angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of angle of prism. Matlab I is equal to E and the latter, matlab E is equal to 3/4 of A. Matlab I equal to E equal to 3/4 of A. Aisa aapko bola hai. Aur aapko pucha hai, given this much, what is angle of deviation? So how to find out angle of deviation? तो a आपको दिया है कितना, 60, म्यू कितना दिया है 1.5, I इक्वल टू e इक्वल टू 3/4 ऑफ a, बट a इज हाउ मच, 60, 1 जा 15 जा, दैट इज 45. आपको क्या पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन. I इक्वल टू e कब होता है, यस, मतलब कब होता है, 2i इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम पे होता है, करेक्ट, राइट. इफ यू नो दिस तो आपको ये भी पता होगा कि डेल्टा एम विल बी अगेन 2i माइनस a, 2i, i कितना फाइंड किया, 45, 2 इनटू 45 कितना, 90, माइनस a कितना है, 60, तो 90 में 60 इज हाउ मच, 30, ऑप्शन नंबर बी. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Question was easy and interesting. Okay, so that's it for today.